आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो हेलो, जी, बताइए क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम है मोहम्मद इस्लाम खान। मैं बात कर रहा हूँ जहानाबाद से। और ठीक है, आपका मैं सवाल क्या है? सवाल मेरा है, प्रोग्राम जो चल रहा है खान साहब का, मैं उससे बात करना चाहता हूँ प्रोग्राम में। जी, मेरा सलाम आपको, बताइए क्या सवाल है। जी सवाल मेरा है सर जी, वो क्या है ना कि मैं एक नुक्ता लिखाया हूँ कुछ जैतून के सिरका, जी, वो मैं मंगाया हूँ सर, उसका मैं इसका फायदा सुनना चाहता हूँ, क्या क्या फायदा हाथ में इनके दौरान है, पेट की बीमारी में। फायदा लगने लगा आपको, कितने दिन से ले रहे हैं? ले नहीं रहा सर, मैंने ऑर्डर लिखाया हूँ कल। अच्छा, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? अच्छा, फायदे क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, जी हाँ सर, शुगर वालों के लिए बेहतरीन है, दो टाइम लेने से शुगर अपनी जगह पर रहती है, लेकिन वो दवा भी खानी पड़ती है जो आप खाते हैं। शुगर के होने वाले नुकसानात जो किडनी, लीवर, दिल और आँखों को नुकसान पहुँचाते हैं, वो पहुँचाने नहीं देती शुगर की दवाइयों के नुकसानात। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद, पेट के लिए बहुत अच्छे, किडनी की के इन्फेक्शन के लिए, पेशाब के लिए, और ख़ास तौर पर दिल की रगों में जो चर्बी भर जाती है जिससे वो हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं, इसको खोलती है, ब्लड प्रेशर ठीक करती है, इसलिए कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल की दुश्मन है। दिल और दिमाग के लिए भी इसे लिया जा सकता है। बात करते हैं अगले कॉलर से। यूपी से हैं उषा जी, स्वागत है आपका। हेलो नमस्ते जी, क्या नमस्कार, कहते बोलिए। हैं? अजी है, एक तो मैंने शुगर भी है और थोड़ा बीपी भी बढ़े हैं और उम्र है मेरी 50 साल, और एक हाथ में दर्द भी रहा है कम कम कभी कभी, और गैस बनती रहा है। आप देख रहे हैं मुझे ऐसे सीधा बैठे, और ये आपको रोज़ाना ये एक्सरसाइज 3 मिनट करनी है। अच्छा, मोंडा नहीं उठाना, कुछ लोग मोंडा उठा के ऐसे कान मिला देते हैं, मोंडा वहीं रहे, ऐसे ऐसे ये 3 मिनट करना है। मैं जानता हूँ कि 3 मिनट एक साथ कोई नहीं कर पाएगा, तो एक एक मिनट करके 3 मिनट करें, घड़ी देख कर करें, 3 मिनट हो जाएं जब भी आप, एक दिन की फरागत है आपको, और फिर ऐसे सीधे इसी तरह बैठें और ये ठोड़ी अपनी पकड़ें और दुश्मन की तरह मोड़ दें, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी एक एक मिनट करके 3 मिनट किया करें। एक तो ये इलाज करना है आपको 10-15 दिन, उसमें आपको मोंडा वोंडा का दर्द सब ठीक होना चाहिए। अब शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, इनकी सबकी खबर रखता है जैतून का सिरका, 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, 1 गिलास पानी में मिलाकर खाने के पश्चात दिया करें, आपकी शुगर से होने वाले नुकसानात भी रुकेंगे, शुगर भी स्थिर रहेगी। वो दवा भी खाते रहें जो आपको डॉक्टर देता है, वो भी खाते रहें, लेकिन आप इससे सेहत की ज़िंदगी जी सकते हैं। हमारे साथ शंकर जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी, शंकर जी कहाँ से बात कर रहे हैं? हम बिहार से, मधुबनी जिला से। ठीक है, आपका सवाल क्या है? टीवी से बात कहाँ हो रहा है, अभी जो प्रोग्राम चल रहा है हकीम साहब से? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात शंकर जी। जय शंकर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, तो रहे हैं, लेकिन हाँ अभी जो तो यहाँ टीवी चल रहा है हमारे यहाँ, उसमें कहाँ हो रहा है? भाई, हमें नहीं पता आपका कौन सा टीवी है, कैसा बीवी है। अच्छा ठीक है, तो हम बताना चाहते हैं कि घुटना में दर्द रहता है, पाँव में भी दर्द रहता है हमें। अच्छा, कितनी आयु है आपकी? 60 से ऊपर है। ठीक है, आप गौर से सुनिए मेरी आवाज़, फ़ोन पर ही सुनिए। आपको या तो गौंद स्याह मिल जाए, काला गौंद को गौंद स्याह कहते हैं, असली मिलना चाहिए, नकली बहुत मिलता है। अगर मिल जाए 100 ग्राम भी तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने और नाश्ते के पश्चात पानी से या बगैर चर्बी के दूध से लेना है। अगर वो असली मिले तो ज़रूर ले लें, सोने का भाव है ये, और असली लेना ज़रूरी है। असली नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर,
सुबह शाम खाएं, और अगर एक महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने खाना ज़रूरी है ताकि आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो सकें। मेरठ से हैं सत्यपाल जी, स्वागत है आपका। जी बताइए, प्रश्न करिए। जी, मैं पेशाब का जो है, पेशाब की गड़बड़ नहीं है, बोल बोल पेशाब आता है। एज क्या है आपकी? मेरी एज है जी 82। 82 पेशाब बार बार आता है, और कोई तो रोग नहीं है, डायबिटीज वगैरह वगैरह? बूंद बूंद पेशाब आता है। बूंद बूंद पेशाब आता है, बूंद बूंद रुक रुक के। ठीक है ठीक है, अच्छा बूंद बूंद पेशाब आता है, ठीक है ठीक है। हाँ, एक नुस्खा बड़ा अच्छा आप लिख लीजिए, अच्छी उम्र है, लिख पाएँ तो लिख लीजिए और सुन पाएँ तो रिकॉर्ड कर लीजिए। बच्चा या घर में हो कोई और हो तो उनसे लिखवा लीजिए, चश्मा वश्मा लगा लीजिए, और मैं नुस्खा बताने आपको जा रहा हूँ। जैतून का नमक आता है, नमक जैतून कहते हैं, रसायन जैतून भी कहते हैं, और इंग्लिश में एस्टेक जैतून भी कहते हैं। 100-200 ग्राम आपके घर में रहना चाहिए, 2 चुटकी रोज़ाना पानी में मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें, 1 गिलास पानी में 1 बार या 2 बार। जिस दिन पिएंगे उसी दिन से असर शुरू होना चाहिए और आप सेहत की ज़िंदगी जी सकते हैं। बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? झारखंड से। नाम क्या है? शैलेश। शैलेश जी, सवाल क्या है आपका? हाँ, खुजली टाइप का होता है। हाँ, जैसे एलर्जी बोलते हैं जिसको। ठीक है, नजला खांसी, खुजली। खुजली होती है पैरों में। एलर्जी, एलर्जी, एलर्जी होती है, पैरों में खुजली हो जाती है। हाँ, ये कुछ ऐसे चीज़ें खाने से भी हो जाती है, कुछ दवाइयाँ लगातार खाने से उनके भी नुकसान होते हैं, इसको ठीक होना भी बड़ा आसान होता है। देखिए, एक आता है नमक जैतून, जैतून का नमक वो ले लीजिए, और 2 चुटकी पानी मिलाकर सुबह और शाम पिया करें। ये एलर्जी के लिए, खुजली के लिए, इन्फेक्शन के लिए, पेशाब की परेशानी के लिए, पेट के लिए, लीवर के लिए, गैस के लिए, कब्ज़ के लिए, बवासीर के लिए, बहुत सारे मर्ज़ों का इलाज है नमक जैतून। ये रसायन होता है जैतून का, जिसे इंग्लिश में एस्टेक जैतून भी कहा जा सकता है। पंजाब से अगले कॉलर हैं धनवीर सिंह, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, बताइए आपका सवाल क्या है? पीएमसी से बात करनी थी। जी जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। सर, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, गुरदासपुर से। मैंने मंगवाया था एक तो जैतून का सिरका। मुझे ना लीवर में पेन रहती थी, तो एक मुझे घुटने में दर्द रहती थी मेरी बाप को, वो मैं मंगवाया था एक गौण सिया। ठीक है ठीक, बोलिए बोलिए आगे बोलिए। गौण सिया मंगवाया था जी, तो उसके साथ 3 जड़ी बूटी और भेजी थी। ठीक है, वो मैं ले रहा हूँ, तो मैं भी ले रहा हूँ, घरवाली भी ले रही है, पर मुझे ना भूख नहीं लग रही उस दिन की, पेट मेरा ऐसे ना टैट टैट रहता है, फुला रहता है, भूख नहीं लग रही। ठीक है, और कुछ कहना है? कुछ कितने दिन से ले रहे हैं, कुछ फायदा है, कुछ नुकसान? मुझे 5 दिन हो गया अभी तो लेते हुए, जो सिरका वो तो मुझे लेते हो गया आज 8-10 दिन। अच्छा ठीक है, हाँ देखिए इसी में फ़ायदा शुरू हो जाएगा 1-2 दिन में, और भूख नहीं लगे तो एसिडिटी की गोली खा लिया करें, एसिडिटी की कोई भी गोली खा सकते हैं, और कुछ दिन इंतज़ार करिए, ये फ़ायदा शुरू करेगा। और सौंफ, आंवला, मेथी, धनिया, ये सबको ऐसा 50-50 ग्राम मिला के पाउडर बना लें, और 1 चम्मच सुबह,
एक चम्मच शाम पानी से लिया करें, थोड़ी भूख भी खूब खुल जाएगी जी, और कब्ज़ होगा तो वो भी टूट जाना चाहिए और खूब हष्ट पुष्ट जिंदगी गुजार सकते हो जी। महाराष्ट्र से नेक्स्ट कॉलर राजेंद्र कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो, बोलिए। नमस्कार सर, मैं एक आर्मी वाला बोल रहा हूँ मैडम। हाँ जी मैडम, मेरे पेट में दर्द रहता है लेफ्ट साइड में। कब से दर्द है ये? जी 8-9 महीने हो गया है। मैंने अल्ट्रासाउंड भी 2-3 बार करा दिया, एंडोस्कोपी भी करा दी, तो बिल्कुल नॉर्मल आता है। और लेफ्ट साइड का दर्द है वो ठीक नहीं होता, जब मैं बेंड होता हूँ या उठता बैठता हूँ तो दर्द होता रहता है वहाँ पे, हल्का हल्का दर्द 24 आवर रहता है। पेट में है या पीठ में है? पेट में सर, पेट में, नाभि के लेफ्ट साइड में सर। ठीक है, तो देखिए एक अच्छा नुस्खा बताता हूँ, वो आप खुद बना लें और उम्मीद ये है कि पहले ही दिन से फ़ायदा शुरू होना चाहिए। और तरीका यह है कि सौंफ 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम और धनिया 200 ग्राम सबको लेकर पाउडर बना लो। मेथी का दाना लेना, पाउडर बना के इसमें 150 ग्राम आपको नमक, जैतून आता है फौजी भाई, ये देखने में नमक होता है, जायके में नमकीन नहीं होता। नमक जैतून 150 ग्राम लेके इसमें पाउडर बना के एक एक चम्मच सुबह शाम खाने से पहले भी खा सकते हो, बाद में भी ले सकते हो, पानी के साथ लें। आप देखेंगे पेट से ताल्लुक़ रखने वाली हर बीमारी का ये इलाज है, चाहे कब्ज़ हो, चाहे दर्द हो, चाहे स्वेलिंग हो, चाहे बवासीर हो, चाहे इन्फेक्शन हो, या पेशाब की परेशानी हो, या लीवर की परेशानी हो, या गैस की परेशानी हो, या कब्ज़ की परेशानी, ये सब पर काम करता है। आप इसे लो, मैं दुआ करता हूँ कि आपको फ़ायदा हो जाए। बनारस से अगले कॉलर हैं पंकज, स्वागत है पंकज जी। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, बोलिए पंकज जी। आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। बचपन से मुझे खांसी है। बचपन से खांसी है? हाँ। एज क्या है आपकी? 18 जी। हाँ, अभी भी बच्चे ही हैं आप पंकज भाई, और खांसी बचपन से है तो ज़रूर आपने टीवी का टेस्ट कराया होगा, और वो नहीं है तो फिर आपको ज़रूरत है इम्यूनिटी की। जिसको इम्यूनिटी की कमी होती है उसको खांसी, बलगम, छींके 12 महीने होती रहती है, मौसम कोई भी हो, गर्म मौसम में भी होती है। तो इसके लिए इम्यूनिटी की दवा भी बताऊंगा और नुस्खा भी बताऊंगा, जो आपको आसान हो वो बनाएं और खाएं। देखिए लिसोड़ा, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें, इसमें 30 ग्राम अपने बावर्ची खाने से यानी किचन से, रसोई घर से मिलाएं। पीपलें होती हैं जो लंबी लंबी होती हैं, 1.5 इंच की, आपको नहीं तो मम्मी को पता होगा, पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं। बाहर के खाने छोड़ दें, खट्टी चीज़ें खाना छोड़ दें और गर्म पानी से लिया करें, और दिन में 5 बार गर्म पानी पिया करें। ये नहीं बना सकते तो माजून, आर्केयर सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से लेने से भी आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन 4-5-6 महीने भी आपको इलाज करना पड़ सकता है। अगर आप हमेशा की तंदुरुस्ती चाहते हैं तो ये इलाज करना ज़रूरी है।